ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। क्या है? ये दिवाली गिफ्ट है हम सब की तरफ से। हाँ हम सब की तरफ से। थैंक यू। अरे ये तो पांची का फेवरेट फेस्टिवल है। हाँ मिठाई का फेस्टिवल दिवाली। हाँ एक्चुअली ये दिवाली तो सीजन ही मिठाई वालों का है। हाँ रंगोली का भी सीजन है और पटाखों वालों का भी सीजन है। एक्चुअली देखा जाए तो ये मेरे डैड का सीजन है। क्यों? तेरे डैड ने भी पटाखे और मिठाई बेचना शुरू कर दिया है? नहीं गिल्ली, इस महीने में मेरे डैड के पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना। ओह ये बात तो सही है। लेकिन गिल्ली एक बात बताओ, हम इस बार की दिवाली कैसे मनाएंगे? हम इस साल की दिवाली पूरी प्लानिंग के साथ मनाएंगे। तो क्या सर जी, हम इस बार की दिवाली पटाखे फोड़ कर नहीं मनाएंगे? चुप। हम सारी तैयारियां एडवांस में करके रखेंगे और उसके लिए हमें सिर्फ 4-5 हज़ार रुपए की जरूरत होगी। लेकिन मेरे मॉम डैड तो मुझे दिवाली के दिन ही पटाखे लाके देते हैं। और मेरे मॉम डैड की कमाई दिवाली में ही हो जाती है, तो वो मुझे दिवाली के बाद पटाखे और मिठाई लाके देते हैं। डोंट वरी, हम अभी पैसे मेरे डैड से ले लेंगे, बाद में हम लोग खर्चे शेयर कर लेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, किस बात पे शोर हो रहा है? डैड हम लोग दिवाली की तैयारियां कर रहे थे। मर गए, मतलब खर्चे की तैयारियां कर रहे हो? हाँ डैड, हमें पटाखों के लिए 4-5 हज़ार रुपए चाहिए। 4-5 हज़ार रुपए? मतलब 50 साल का खर्चा एडवांस में मांग रहे हो? नहीं डैड, हम लोग इस दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं। देखो बेटा, दिवाली में पटाखे फोड़ने की क्या जरूरत है, कोई दूसरा फोड़े ना, उसे देखकर आनंद ले लिया करो। अंकल मैं भी अपने मॉम डैड से यही कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट देखना है तो अब तालियां कर देखो। देखो बेटा, मैं पटाखे वटाखे फोड़ने के सख्त खिलाफ हूँ। हाँ अगर आपको चाहिए तो मैं एक रोल वाली पिस्तौल लाके दूंगा। डैड अब मैं छोटा मोटा बच्चा नहीं हूँ। बेटा एक बार मैंने मना कर दिया ना, इसलिए नो। विक्रम विक्रम ये देखो, इस अखबार में एक इश्तिहार आया है, साड़ी की सील है। बुरी होगी। तुम्हें कैसे पता? देखो पल्लू, इस साल मैं तुम्हें कोई साड़ी वाड़ी लेके नहीं दे सकता। अरे ये क्यों? मेरे बॉस ने मुझे बोनस नहीं दिया ना यार। ये तो तुम्हारा हर साल का रोना है। मैं इस बार साड़ी लेके नहीं दूंगा, मतलब नहीं लेके दूंगा। तो मैं भी मिठाइयां नहीं बनाऊंगी, मतलब नहीं बनाऊंगी। मत बनाओ। सुनो वेद, मुझे साड़ी चाहिए। नहीं नहीं तो क्या पुरानी ला कर दोगे? चालू तुम्हारे पास इतनी साड़ी है, सब एक सरी की साड़ी है, और एक साड़ी लेकर क्या करोगी तुम? अचार डालूंगी। तो ठीक है। तुम जैसे मोती बिंदु वाले को सब एक जैसा ही दिखता है। अरे बाबा ठीक है, नई साड़ी खरीद लेना बस। हाँ ये घर पूरा साफ कर देना। मैं करूँ? तो क्या दिवाली का काम पति पत्नी मिल बांट कर करते हैं। हाँ हाँ, पत्नी क्या करती है, ग्रीटिंग कार्ड पर साइन करती है और पति चेक पर साइन करता है। अच्छा याद दिलाया, मेरे मामा के घर के ग्रीटिंग्स अभी तक पोस्ट नहीं हुए, वो भी कर देना। क्या खर्चा ही खर्चा है, ये दिवाली है या दिवाला है? यार गिल्ली, पैसों के बिना तो दिवाली फीकी हो जाएगी। कम से कम 10 किलो काजू कतरी का तो बंदो होना ही चाहिए। अगर डैड के बॉस उन्हें बोनस देते तो हमारा काम हो जाता। क्यों ना हम तुम्हारे डैड के बॉस से बात करें? हाँ चलो, मेरे पास उनका मोबाइल नंबर है। यस। हेलो अंकल, मैं गिल्ली बोल रहा हूँ। थैंक यू अंकल। क्या कहा उन्होंने? मैंने उनसे बात कर ली है, वो डैड को चेक दे देंगे। चेक? उसको तो क्लियर होने में वक्त लगेगा। तो फिर हम पैसों का बंदोबस्त कैसे करें? आइडिया। क्या? क्या हम लोग भिक मांगते हैं? गोल्डी आइडिया, हम लोग लोन लेते। लेकिन हमें कौन सा बैंक लोन देगा? डंडा अंकल। यस यस, चलो। आ गए मेरे दिवाली के पटाखे, आ गए। ओ साफ सफाई वाले अंकल, मेरे डंडा अंकल कहाँ है? ए बगैर पूछ का बंदर, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मैं। सॉरी डंडा अंकल। हाँ। अंकल हम आपके लिए गिफ्ट लाए। अच्छा गिफ्ट लाए? ये देखिए। क्या क्या है? अरे पेन। वाह, अरे क्या मेरा हाथ टूट जाता तो? वेद, ए, बहुत शरारती हो गए हो तुम लोग। दूसरा है क्या? दूसरा है? है है है। आ रही आ रही वो। वेद, साफ सफाई पूरी हुई के नहीं? एकदम चक्का चक। एकदम
देखो तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ, खोलो। साड़ी लेने का वादा किया था, अभी तक पैसे नहीं दिए। खोलो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गिफ्ट। अरे ऐसा खोला ऐसा खोला ही नहीं है, देखो। ये सब हम बचपन में कर चुके हैं मुन्ने। मुन्ने? वेद, मुझे एक बात बताओ। हाँ। जब हम पटाखा फोड़ते हैं तो पहले आवाज आती है या रोशनी? पहले रोशनी आती है फिर आवाज आती है। कैसे? अंकल मैं आपको समझाता हूँ। समझा रहे? हमारी आंखें आगे होती है इसलिए हमें पहले रोशनी दिखाई देती है, और फिर हमारे कान पीछे होते हैं इसलिए हमें आवाज बाद में सुनाई देती है। क्या बात है, क्या बात है, व्हाट अ लॉजिक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शट अप। ये बात तुम नहीं समझोगे मुन्ने। मुन्ने? अंकल। क्या है मुन्ने? अगली। अंकल हमें आपसे लोन चाहिए। किसलिए? अंकल दिवाली के पटाखे खरीदने हैं ना, इसलिए। कितना चाहिए? 5,000। 5,000? नहीं अंकल, आप इसकी बातों में मत आइए। हाँ। हमें सिर्फ 2,000 चाहिए। 2,000 ही चाहिए ना? देखो गिल्ली, तुम्हें पटाखे ही फोड़ने हैं ना, मेरे पास बहुत पटाखे हैं। हाँ मैं दे दूंगा तुम्हें। नहीं अंकल, वो तो पुराने होंगे, फुस हो गए होंगे। नहीं नहीं, फुस नहीं, ऐसे धड़ा धड़ फूटे। और अगर नहीं फूटे तो? अरे फूटते है बाबा, मैंने उसे पैक करके रखे है। हाँ अभी लाता हूँ तुम्हारे। ये दोपहर को पटाखे कौन फोड़ रहे है? क्या है भाई, क्या है? डंडा अंकल, पटाखे फूट गए। हाँ, आप सही थे। अच्छा मैं सही था ये प्रूव करने के लिए? मेरे 1,000 रुपए का धुआं कर दिया तुम लोगों ने। अंकल अब तो आपको लोन देना ही पड़ेगा। ठीक है पैसे तैयार है। ये लो गिल्ली। अंकल हमें पैसे ऐसे नहीं, लोन की तरह चाहिए। अच्छा तो स्टैंप पेपर साइन करेगा तू? हाँ। सर जी, लेकिन बराबर पढ़ के साइन करना, वरना दंडा अंकल आपके नाम की जायदाद खुद के नाम पर करवा लेंगे। फ्रेंड्स आज दिवाली है और इतने पैसों से हमारा कुछ नहीं होगा। हाँ, अब बाकी के पैसों के लिए क्या करें? आइडिया, हम घर का पुराना सामान बेच देते हैं। चुप बेवकूफ, तुझे ही बेच देना चाहिए। अरे खरीदने वाले को हमें सामने से पैसे देने पड़ेंगे। अरे भाई पैसे ले लो और इसे ले जाओ। काश मिठाई पेड़ पर उगती तो ये टेंशन होती नहीं। काश पटाखों की खेती होती। काश तेरे दिमाग में भी अक्ल की खेती होती। पता है पटाखों, तेरे में बहुत अक्ल है। हाँ, तेरी तरह एम्प्टी नहीं है। अरे तानिया रिंकी झगड़ो मत, सोचो कि हमें लोन कौन देगा। सिंपल गुप्ता अंकल। गुप्ता अंकल वो हमें ठेंगा देंगे। नहीं तानिया, गुप्ता अंकल हमें लोन दे सकते, मगर उसके लिए हमें अपने दिमाग का यूज करना होगा। सुनो। चॉकलेट डालता हूँ। ये मुझे 2 चॉकलेट मिल गई। ये गिल्ली, मैंने 1 लिपस्टिक डाली थी, मुझे 2 लिपस्टिक मिल गए। ये हाँ, ये डिब्बा तो जादुई लगता है। अरे क्या हो रहा है बच्चों? अंकल हमने इस डिब्बे में जो भी चीजें डाली वो डबल होके बाहर आई। यानी सर जी, इसमें रिजल्ट डालेंगे तो उसके मार्क्स दुगने हो जाएंगे। बोल्डी शट अप। देखिए अंकल, मैं ये 100 रुपए डालता हूँ। देखिए अब ये 200 रुपए हो गए। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। ये डाल दो। अंकल 50 रुपए डालोगे तो सिर्फ 100 रुपए आएंगे। अरे हाँ, एक मिनट, ये डालो। अंकल 500 से हमारा क्या होगा? क्या? अंकल इसके कहने का मतलब है कि अगर आप 500 डालोगे आपको तो सिर्फ 1,000 ही रुपए मिलेंगे ना। अच्छा, अरे हाँ वो भी डाल दो। हा? ये भी डाल दो। हा? एक मिनट, और ये भी डाल दो, सारा डाल दो। और है
ये भी सारा डाल दो। और सब हो गए, मकान पूरा खाली हो गया। अंकल अभी आप ही पैसा निकाल लेना, हम लोग चलते। बाय। अरे मेरे पैसे डबल होके नहीं आए। अंकल शायद पापी लोग को नहीं मिलता है। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? मेरे पैसे चोरी का धन मोरी में जाए। जो उल्लू बनाते हो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ। गिल्ली पूरे 3,000 रुपए हैं। यस फ्रेंड्स, ये लोन के पैसे हम गुप्ता अंकल और डंडा अंकल को बाद में लौटा देंगे। ओके। अब लालवानी अंकल की बारी। वो देखो लालवानी अंकल आ रहे। पहुंची रेडी? यस जाओ। सबरे अच्छा ऑर्डर मिला है। अरे इसको पहले मैंने उठाया था। अच्छा तो फिर मेरे हाथ में कैसे आई? देखो बेटा इधर आओ, ये खेलने की चीज नहीं है, बच्चों के काम की चीज नहीं है। अंकल सोने की चीज तो हर किसी के काम आती है। देखो चेन पुलिंग का 500 रुपया फाइन होता है, मालूम है? वो तो ट्रेन में होता है। क्या हुआ कौनची? देखो ना अंकल मेरी चेन नहीं दे रहे हैं। अरे रास्ते में कुछ भी पड़ा रहेगा तुम्हारा होगा क्या? तो क्या आपका होगा? देखो इसको पहले मैंने देखा था। नहीं पहले मैंने देखा था। ये झूठ बोलता है। मैंने सपने में देखा था कि ये चेन यहीं पर होगी। एक मिनट, हम लोग फैसला करने के लिए डंडा अंकल को बुलाते हैं। अरे डंडा अंकल को बुलाने की क्या जरूरत है बाबा? तो फिर हम एक काम करते हैं। पहुंची तो लालवानी अंकल को 1,000 रुपए दे और ये चेन तू रख ले। ठीक है। 5,000 की चेन का 1,000 रुपया दे रहा है। शाबाश पहुंची, अगर मैं तुम्हारे को 2,000 रुपया दो तो तुम क्या करेगा? ये दूंगा। बाद में वो चेन मेरे को देगा ना? हाँ वो तो बाद में। अभी मेरे को ऑर्डर का 2,000 रुपया मिला है, ये लो। थैंक यू। वाह 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 वाह, अरे रस्ते का माल सस्ते में मिल गया, 2,000 में 5,000 का चेन मिल गया बाबा। शाबाश, ये हाथ में पीला क्या लगा है? अरे यार 2 रुपए की चेन का 2,000 रुपया दिया है तुमने, ये बच्चों ने दिन में तारे दिखा दिए। फ्रेंड्स ये पूरे 5,000 हो गए। गिल्ली बेटा आपने मेरे बॉस को फोन किया था? हाँ डैड। क्यों किया था? वो डैड आपको बोनस नहीं मिला था ना इसलिए। क्या हुआ विक्रम, तुम्हारे बॉस नाराज हो गए क्या? नहीं। तो फिर बोनस मिला? एक्चुअली पल्लो मुझे बोनस ऑलरेडी मिल चुका था। झूठ क्यों कह रहे थे? सॉरी पर मुझे क्या पता था कि हमारा लाडला मेरे बॉस को फोन कर देगा। इसे कहते हैं सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। अरे इसे कोई कहावते कहना ठीक से सिखाओ। अच्छा बेटा ये लो, मेरे बॉस ने आपके पटाखों के लिए दिए पूरे 1,000 रुपए। वाओ 1,000 रुपए, ये पैसे देखकर मुझे भी लग रहा है कि मैं भी तुम्हारे बॉस को फोन कर दूँ। नहीं, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करना। अच्छा बेटा आवाज वाले पटाखे नहीं खरीदना। ओके ओके। माँ ये क्या है? ये आलू की जलेबी है। देखो पल्लो आज तक मैंने आलू की सब्जी, आलू के भजिए, आलू के पराठे सुने थे, आलू की जलेबी पहली बार सुन रहा हूँ। विक्रम ये दिवाली स्पेशल है। अच्छा? तुम चक्कर तो देखो बार बार मांगोगे। मेरा मीठा खाने का भी मूड नहीं है। ये तीखी जलेबी है खाओ। पैसे तो जमा हो गए, अब हम लोग इसका क्या करें? इन पैसों से पहले हम फुलझड़ी और फवारे लेंगे। नहीं रंगोली का सामान लेंगे। नहीं काजू कतरी लेंगे। नहीं हम इससे 5,000 की लड़ी लेंगे। लेकिन उससे तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। सर जी मैं आपके साथ हूँ। मुझे पहले रंगोली का सामान चाहिए। मुझे काजू कतरी चाहिए। नहीं हम लोग 5,000 की लड़ी। अगर तुम्हें ऐसे करना है ना तो मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं जा रही हूँ। ठीक है। क्या ठीक है? अरे दिवाली का दिन है और तुम लोग झगड़ रहे हो और बंटवारा हो रहा है। अंकल पहले काजू कतरी लेते हैं, उसके बाद सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं हम लोग पहले मुझे सब लोग अपना अपना हिस्सा ले लो और जिससे जो चाहिए वो करो। गिल्ली सुन गिल्ली बच्चों रुको। ढांडा तुम्हारी ये गैंग हमें चूना लगाकर चली गई। Thank you.
जमा कर रहा हूँ। ये पटाखे क्या तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हें पटाखों के लिए पैसे नहीं देते? नहीं, वो कंजूस है। कंजूस तो नहीं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। पटाखों के लिए पैसे नहीं है? पटाखों के लिए क्या, हमारे पढ़ाई के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। हमारी मतलब तुम्हें कोई भाई या बहन भी है? मेरा छोटा भाई है, उसी के लिए ये पटाखे मैं जमा कर रहा हूँ। देखो तुम घुमा फिरा कर बात मत करो, जो कुछ कहना है सीधे सीधे कहो। और ये बताओ, ये बच्चों से हमारे पैसे वापस कब दिलाओगे? हाँ, दे दूंगा पैसा। कब? एक शर्त है। क्या शर्त है? कौन सी शर्त? बिना मुंह खोले जमाई लेकर दिखाओ। अरे बड़ी इजी है, तो बड़ी इजी है। देखो नहीं, मुंह खुल रहा है, मुंह खुल रहा है। इधर देख, इधर देख। अरे तेरा भी मुंह खुला। अरे बड़े, ये ढांडा गया किधर? अरे ढांडा, ढांडा, ढांडा। अरे वाह वाह बच्चों, वाह, यहाँ से गए तो बिखरे हुए मोती थे, एकदम माला बनकर आए, क्या बात है। अंकल, इसे कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मारना। कहावत किंग, चुप बैठ। क्या क्या लाए हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं, फिर भी इतने खुश हो? हाँ। पहुंची, जरूर तुमने मिठाई लाई होगी। नहीं। अरे तो क्या गुप्ता और लालवनी को नाचते हुए देखा? नहीं अंकल। तो इतने खुश क्यों? अरे हाँ, और पैसों का क्या किया? हमने सारे पैसे दे दिए। किसे? अंकल, एक लड़का था, बेचारा बहुत गरीब था, उसके पास मिठाई के लिए क्या, पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं थे। और तुमने सारे पैसे उसे दे दिए? हाँ। अरे अब दिवाली कैसे मनाओगे? अंकल, हम किसी के काम आ सके, उससे बड़ी दिवाली क्या हो सकती है? सच कहा बच्चों, किसी की दुआ लेना यही सच्ची दिवाली होती है। अंकल, हमने ये ठीक किया ना? अरे ठीक, 1001% ठीक किया तुमने। अरे ये दिवाली तो मेरे लिए यादगार दिवाली बनकर रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अंकल, थैंक यू किस लिए? अरे थैंक यू इसलिए कि तुम्हारी तरफ से मेरे लिए ये दिवाली की गिफ्ट है। अरे हाँ, और शाम को बच्चों मुझे जरूर मिलना। क्यों? अरे सरप्राइज है। क्या बात है पल्लू, बच्चे पटाखे क्यों नहीं फोड़ रहे? अरे पटाखे फोड़ेंगे कैसे, पटाखे तो अब आए हैं। लो गिल्ली, पहुंची ये तुम्हारे लिए मिठाई। ये! अंकल, इतने सारे पटाखे हमारे लिए? हाँ? अंकल, इसकी क्या जरूरत थी? ठीक है, वापस कर देता हूँ। चाहिए, 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 चाहिए। ढांडा साहब, आप बच्चों के लिए इतने सारे पटाखे ले आए? हाँ, मैं तो कहता हूँ दिवाली धूमधाम से मनानी चाहिए। देखो बच्चों, पटाखे फोड़ो लेकिन संभल कर, और सब लोगों ने कॉटन के कपड़े पहने हैं ना? सबके पहनने की फिक्र है, लेकिन मेरे लिए साड़ी नहीं लाए। अरे शालू, ये लो तुम्हारे लिए साड़ी। थैंक यू। पूरे 200 की है। क्या? नहीं नहीं, 200 की है लेकिन मैंने 400 में खरीदी। वाह, खुश हो गई। देखा विक्रम, और मेरे लिए साड़ी? ये लो तुम्हारा सरप्राइज। और बच्चों, ये आपके लिए मिठाइयाँ। मैंने भी मिठाइयाँ बनाई है। पर तुम तो मिठाई नहीं बनाने वाली थी। सरप्राइज क्या सिर्फ तुम ही दे सकते हो? मैं, बच्चों ने पैसे जमा किए थे ना? जमा किए थे, वो एक गरीब बच्चे को दान में दे दिए। हाँ। सुनो विक्रम, बच्चों को दूसरों को पटाखे फोड़ते हुए देखना पसंद नहीं होता। आई एम सॉरी टांडा सर। जाओ बच्चों, फोड़ो पटाखे। विक्रम, ये पटाखे आवाज नहीं करते, सिर्फ रोशनी देते हैं। विक्रम, जो पटाखे रोशनी देते हैं वो आवाज नहीं करते, और जो पटाखे आवाज करते हैं वो रोशनी नहीं देते। एक पटाखा ऐसा है जो आवाज भी करता है और रोशनी भी देता है। कहाँ है वो पटाखा? ये रहा गिल्ली। थैंक यू।